ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये पहले ऑस्कोलेट कर रहा था ऐसे तो उसका ग्राफ दिया हुआ है एक्स वर्सेस टाइम का है ना एक्स फ्रॉम दिस डिस्टेंस जो इसकी मेन पोजीशन है सो so ऑब्वियसली एक साइनस कर्व कर होगा तो ये ऐसा ऐसे चम कर रहा है ऊपर नीचे बढ़िया अब क्या किया है कि जब व्हेन द ब्लॉक रीचेज इट्स लोएस्ट पोजिशन ग्रेविटी इज सडनली स्विच ऑफ तो जब ये नीचे नीचे था है ना ये ऐसे ऐसे जा रहा था तो जब ये यहाँ पे नीचे नीचे आया तब ग्रेविटी हमने कर दी टर्न ऑफ डिस्क्राइब द चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यू टू द स्विचिंग ऑफ तो, तो भाई ये पहले ग्रेविटी का इधर है और ग्रेविटी के बाद का इधर बनाते हैं तो ग्रेविटी के पहले इसकी कोई मीन पोजिशन थी वो ये रही लेट से ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है तो इक्विलिब्रियम एक, पोजिशन के अबाउट ये ऐसे ऐसे कर रहा था ऑसिलेट और ग्रेविटी थी इसलिए इक्विलिब्रियम पोजिशन नीचे बाकी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की इधर है तो ये विद ग्रेविटी आपको आई थिंक ये सब क्लियर हो जाना चाहिए ये चारों पॉइंट्स क्या हैं सो दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये बीच वाला पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम और उसके अबाउट वो ऐसे ऐसे ऑसोलेट कर रहा है सो दिस इज द टॉप एक्सट्रीम एंड दिस इज द बॉटम एक्सट्रीम अब जब ये नीचे नीचे था तब ग्रेविटी कर दिया आपने ऑफ ठीक है तो जब ग्रेविटी नहीं है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा नेचुरल लेंथ पे और नेचुरल लेंथ ऊपर है तो अब ये इस नेचुरल लेंथ के अबाउट एस एच एम करेगा तो ये जो नेचुरल लेंथ है उससे आपका ये नीचे जितना एक्सट्रीम पॉइंट आएगा उसी नेचुरल लेंथ से मतलब नेचुरल पॉइंट जो है इसका स्प्रिंग का उसका उससे उतना ही ऊपर उसका टॉप एक्सट्रीम आएगा सो विदाउट ग्रेविटी द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी हियर बॉटम एक्सट्रीम विल बी सेम एज हियर जबकि टॉप एक्सट्रीम आपका ऊपर चला जाएगा सो दैट विल बी दिस केस ठीक है